हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल कुकिंग विदुषा में आप सबका स्वागत है। आज हमने तिल मावा पेड़ा बनाया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। हमने एक ही तरह के बैटर से दो रेसिपी बनाई है, इसमें कि तिल मावा पेड़ा बनाया है हमने ये, और हमने ये तिल मावा लड्डू बनाया है। इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जाड़ों में, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जिसके साथ हमारा अपना घर का बनाया हुआ मावा है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर, हाइजीनिक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आने वाली है, तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चलते हैं रेसिपी की तरफ कि हमने इसको कैसे बनाया है। हमें तिल मावा रेसिपी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बूरा लिया है, जिसको तगार भी बोलते हैं। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। 250 ग्राम मैंने घर का बना हुआ मावा लिया है, ये मैंने ताजा बनाया है घर में, और 250 ग्राम भी मैंने तिल लिए हैं। इसके लिए मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिनको मैंने क्रश कर लिया है, पिस्ता, बादाम और काजू, जो उसके ऊपर हम गार्निशिंग में काम आएंगे। 1/2 TSP इलायची पाउडर है, कार्डमम पाउडर। अब हम रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम तिल है, उनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। हमें इनको भूनना नहीं है, इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। बस इनमें एक शाइनिंग सी आ जाएगी, तभी हमें बंद कर देना चाहिए इसे। आजकल विंटर सीजन है, बहुत ठंड पड़ रही है इस समय, और जाड़ों में तिल बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए जाड़ों में तिल की रेसिपी बहुत बनाई जाती है। तिल लड्डू है, तिल पट्टी है, तिल गजक है, तिल रोल है, रेवड़ी है, काफी रेसिपी बनती है, तो आप भी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत सिंपल होती है बनाना। आप ध्यान रखेंगे मीडियम फ्लेम पर जल ना जाए, और स्लो फ्लेम पर करेंगे तो अच्छे से हो जाती है। देखिए एक शाइनिंग सी आ गई है इसमें, हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, ये ब्राउन कलर का हो जाएगी। हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब हम इसे किसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। हल्का सा कलर चेंज हो गया है, लेकिन हमें ब्राउन नहीं किया है इसको। हमने घर में ही खोया बनाया है, ये कच्चा नहीं है, बस हम इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो खोया बनाया है हमने काऊ मिल्क से बनाया है, डेयरी से हमारे यहाँ दूध आता है, बहुत घी है इसके अंदर। बाजार से जब लाते हैं वो अलग तरह से खोवा होता है, उसमें घी वगैरह नहीं होता है। कितना अच्छा हो गया है, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, अभी डालते ही मेल्ट हो गया है। मैंने आज ही बनाया था सुबह। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसको बस थोड़ा अच्छे से घुमा देते हैं। गरम खोवे में हम ना तिल डालेंगे और ना बूरा डालेंगे, चीनी भी हम ठंडे खोवे में ही डालते हैं। जब ये हमारा जो मावा है ठंडा हो जाएगा तब हम डालेंगे, नहीं तो लिक्विड ही हो जाएगा। फिर हम जो घर में खोया बनाते हैं कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं डालते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, ब्राउन कलर का खोया, इसी के मथुरा के पेड़े वगैरह बनाते हैं हम, बहुत अच्छे बनते हैं, और मैंने बनाए हुए हैं, इसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। घर में खोया कैसे बनाते हैं आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, हाउ टू मेक खोया एट होम। तो ये हम ठंडा होने का इसका इंतजार करते हैं, और ये जैसे ही हमारे तिल ठंडे हो जाएंगे, तो गर्म है, इनको हम थोड़ा ठंडा होने पर थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे, और बाकी हम इसमें से इसका दरदरा पाउडर बनाएंगे, थोड़े हम रख लेंगे बचा करके इसमें से। और बाकी हम इसमें डाल देंगे, और इसका अब हम दरदरा पाउडर बना के लाते हैं। इसको हमने रोल करने के लिए रख लिया है, ये हमने इसका पाउडर जैसा शेप बना लिया है, और इसमें ही हम बूरा डाल लाते हैं, जिससे आराम से मिक्स हो जाएगा इसमें। इस मिक्स हो गया है ये, अब जो हमारा फ्रैंक पैन में खोया है इसमें मिला लेंगे हम, धीरे धीरे इसको सारे को हम मिला लेंगे, एकदम इसमें ये मैश हो जाएगा। ये इलायची पाउडर था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने ये पॉलिशीट बिछा दी है प्लेट में, और इस पर हम इसको शेप देने के लिए इसको आधे आधे को हम दो बार में बनाएंगे, और इसको आप चाहे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप कर दिया है कि घी शाइन कर रहा है, आप इस शेप में डाल सकते हैं इसको। इन पर हम गार्निशिंग कर देंगे, हमने इस तरह से गार्निशिंग कर दी है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये हमने तिल मावा पेड़ा बनाया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है, और आप इसे किसी भी रूप में गार्निश कर सकते हैं। कितने सॉफ्ट बने हैं तिल मावा पेड़े बन गए हैं हमारे। इसको हम अच्छे से एक डो के रूप में बना लेंगे, हम लड्डू बनाएंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे।
आप इस तरह से कोई एक शेप ले लीजिए, इसको इस तरह से रोल कर लेंगे जिससे कि ये प्रॉपर गोल हो जाते हैं। कितना घी लगा हुआ है मेरे हाथ में, जबकि मैंने इसमें एक बूंद घी नहीं डाला है, मैंने फुल क्रीम का बनाया था ये खोया। अब इस तरह से हम इसमें रोल कर देंगे। आप हलवाई के यहाँ से लेके आते हैं, कितने कॉस्टली भी मिलते हैं और हाइजीनिक भी नहीं होते हैं। अपने आप घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, जो बच्चों को भी हेल्दी रहेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं हमारे, इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये मैंने बिल्कुल हाथ में घी नहीं लगाया है, कि कितना बढ़िया बना है खोया। ये हमारे यहाँ इस समय पूजा के लिए बनाए जाते हैं लड्डू वगैरह। ये हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। हमने एक ही में से पेड़ा भी बना दिया है और लड्डू भी बना दिए हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। लीजिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ये हमने तिल मावा पेड़ा बनाया है और ये हमने तिल मावा लड्डू बनाया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ये इसका टेक्सचर है। अगर आप भी घर में मावा बनाकर लड्डू बनाएंगे तो इसी तरह से स्वादिष्ट बनेंगे। और इसी तरह से हमारा जो पेड़ा है वो भी बहुत ही सॉफ्ट बना है, देखिए कितना अच्छा बना है घर का खोवे से। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय।